पूर्वी टर्की के वान प्रांत की ये तस्वीरें बता रही हैं कि एक के बाद एक आए दो तूफानों ने यहाँ किस तरह से तबाही मचाई है। एक तरफ जबरदस्त ठंड और दूसरी तरफ हादसे के बाद बर्फ के नीचे दबे लोगों का रेस्क्यू, ये बता रहा है कि लोगों की जिंदगी बचाना यहाँ कितना कठिन है। पूर्वी टर्की में दो दिन में दो हिमस्खलन में 38 लोगों की मौत हो गई, 53 लोग घायल हैं। 4 फरवरी को हिमस्खलन में एक मिनी बस दब गई थी, इसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी, 8 लोग बचाए गए थे। 5 फरवरी को इन लोगों को बचाने का अभियान चल ही रहा था, तभी दूसरा हिमस्खलन हुआ और रेस्क्यू टीम के सदस्य ही इसमें दब गए। इस दूसरे हिमस्खलन में 33 लोगों की जान चली गई। उधर टर्की के राष्ट्रपति ने घटना पर दुख जताया है। Maalesef çığdan yeni bir haber daha geldi. Çığ altında kalanların sayısı 33 oldu. Allah rahmet eylesin. Maalesef çığ, heyelan, bütün bunlar hep tehditler. Zabardast thand ke beech sena ki team rescue operation mein juti hui hai.